देश बहुत विकट संकट में है। आज चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, अक्लियत के लोग हो, नोटबंदी और जीएसटी के चलते देश का जो आर्थिक हालत है बहुत पीछे चला गया। नौजवानों का रोजगार वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज रोजगार देने की जगह कह रहे हैं पकौड़ा बनाओ, कुछ कह रहा है कि पान की दुकान खोलो। जब से सरकार आई है ये जो हमने बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है इसके खिलाफ जो हमने कदम उठाया है वो अकेले बिहार का नहीं, ये कदम हमने इसलिए उठाया है कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। बड़ी कुर्बानी के बाद जो लोकतंत्र हमारे हाथ में है वो खतरे में है। ये जो संविधान है इसका जो इंजन है वो वोट है, एडल्ट फ्रेंचाइज है। आज पूरे देश भर में ये ईवीएम के खिलाफ चारों तरफ संख्या लोगों की है। रोज ये सरकार आय के नाम पर, भोजन के नाम पर, घर वापसी के नाम पर जो मुद्दे इसने कहे नहीं थे, इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो किसान की आमदनी जो है डेढ़ गुना दाम देंगे सारी मेहनत लागत का, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि 15 लाख रुपए बाहर से लाकर के हर आदमी के अकाउंट में डालेंगे, ये जो वादे थे नहीं पूरे किए जाते तो मेरा यक्का यकीन है कि देश बन जाता। 2 करोड़ लोगों का रोजगार नौजवान को, आज 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। किसान देश का 70% है, ये वादा पूरा करते तो दोनों को मिला दो, आपके किसान को नौजवान को तो असली भारत बन जाता, ऐसा इनका वादा था। वो वादे भूल गए, छोड़ दिए। दिन भर हिंदू मुसलमान दलितों के साथ ऐसा जुल्म जाति का दौर शुरू हुआ है, ऊना में जो हजारों बरस से उनकी बस्तियां लग गई, वो जानवर को जब वो चला जाता है दुनिया से मरे हुए पशु की खाल निकालते हैं। ऊना में आपने सबने देखा होगा टीवी पर कि वो सफाई कर रहे हैं मरे जानवर की खाल निकाल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार के रहते लोगों को अंधाधुंध को नंगा करके उनकी खाल निकाली जा रही है। ये सहारनपुर है, अभी एक नौजवान को गोली लगा मारती है, घोड़ी पे चढ़ने पर उनको मारा जा रहा है, खाने के नाम पर गाय के नाम पर पहलू खान अलवर के पास उसको
पेड़ ने धोड़ा धोड़ा करके मार दिया। पूरे देवघर में आप चले जाइए गांव के नाम पर, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार में, उत्तर भारत में गांव के नाम पर सारा किसान वैसे ही तबाह है। कोई सड़क के किनारे का खेत नहीं बचा है, आवारा पशुओं की बड़ी भारी फौज घूम रही है। पहले तो नीलगाय या जंगली जानवर तो भगा दिया जाता था, लेकिन जो आवारा पशु है वो सारे खेत को खलियान को चल रहा। हमारे देश में खेत को खेत नहीं कहते, संपत्ति नहीं कहते। हमारे देश में जो पशु है उसको धन कहते हैं, ऊंट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, किसान का एटीएम है वो, उस एटीएम को उन्होंने हाथ से छोड़ दिया, उसमें डाका डाल दिया। आज किसान का एक सहारा था जो पशुधन था, जो गाय भैंस है, ऊंट है, बकरी है, उसके संकट का सहारा था। वादे तो पूरे नहीं किए, ऊपर से ये ऐसा कानून, क्रूरता का कानून के नाम पर, गाय के नाम पर देश भर में दंगा फसाद करा रोड। अनंत हेगड़े कहता है कि वहां है इस दिन दिल्ली में, भारत में हमारी सरकार जो बनी है वो संविधान जो है ये काम का नहीं है, ये संविधान को बदले। एक मंत्री बोलती है कि हराम जादे और राम जादे, उनका मंत्री मुख्यमंत्री रोज ऐसे सवाल उठाता कि ताजमहल मंदिर है, झांसी की रानी भी लड़ी थी और राजा और रानी के यहां लोकतंत्र नहीं था, टीपू सुल्तान का सवाल था। चुनाव आता है तो नमाज पर, चुनाव आता है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर के ऊपर दंगा करते। अरे दुनिया को मालूम है इस मुल्क को बंटवारे के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए इतिहास में लेख जाग सके उनका नाम है, सारा इतिहास फाड़ दोगे क्या? जो नॉन इशू है, जिनका कोई मतलब नहीं, वादा किया था करोड़ दो करोड़ लोगों को रोजगार, आज तक 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 5 वर्ष में 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 10 करोड़ को नौजवानों को रोजगार मिलता तो 5 आदमी उसके परिवार में लगाओ तो 50 करोड़ लोगों को रोजगार, वो वादा नहीं करेंगे। गाय की पूछ भजन करेंगे, हिंदुस्तान का 7वां आश्चर्य है ताजमहल, 11 मंदिर है, वहां जाके पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे। इसलिए आपको राज दिया था, इसलिए संविधान में कदम आपने भर। इनके जमाने में किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, ये नौजवान राज्यसभा में कहा है कि 4,500-600 नौजवान जो है वो आत्महत्या कर रही है। एक तरफ ये आत्महत्या कर रहा किसान, दूसरी तरफ ये रेवत बिमला, चाहे वो ऊना हो, दूसरी तरफ अकलियत के लोग हो, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं और जो आत्महत्या नहीं कर रहा दंगा करा के लोगों को जान को सहय करा रहे हैं, ऐसा इन्होंने देश में वातावरण बना दिया। हिंदुस्तान का संविधान जिसके लिए कुर्बानी हुई है, सुभाष बाबू का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, जवाहरलाल का नाम लेते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, बाबा साहब ने संविधान जो बनाया है, याद रखना किसान मजदूर नौजवान भाइयों, नौजवान दोस्तों, ये संविधान हम
हमारे पुरखों ने जो बना जिसकी अगुवाई बाबा साहब ने की है, ये हाथ में आपके वोट नहीं होता, बैलेट पेपर नहीं होता, ये बोलने की आजादी नहीं होती, इतनी कुर्बानी के बाद बना है। आज ये खतरे में है बीजेपी के चलते, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा 70 वर्ष में दौर नहीं आया था। ये पूरा संविधान अभी आप देख रहे हो, ये जो कर्नाटक है, गोवा में बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, वहां गठबंधन की सरकार थी, सबसे बड़ी पार्टी थी मणिपुर में, वहां कांग्रेस को काटो, वहां गठबंधन की सरकार बना रही, मेघालय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यानी कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी, वहां गठबंधन की सरकार बना रही, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में आरजेडी थी, दो नंबर की पार्टी को दिलाती गठबंधन को दिलाती, और देखिए फिर एक ही संविधान, उसकी एक कसम, एक सरकार, एक कानून गोवा में, एक कानून मणिपुर में, मेघालय में, बिहार में, और उस कानून को, उस परंपरा को जो खुद पालन की है, उसको पलट करके येदियुरप्पा को इन्होंने वोट दिला दी, उसके 104 मेंबर हैं, दूसरी तरफ 117 है गठबंधन का, जेडीएस और कांग्रेस पार्टी, कितनी बार गठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार, अटल जी की सरकार, चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार, इसका बहुमत है, अटल जी तो एक वोट से हारे थे, तो सरकार छोड़नी थी, उसी पार्टी को इसने हत्या लिया, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपके बीच में जो मंत्री है, जितने मंत्री है वो बिल्कुल जैसे साफ सुन गया, कोई बोलता नहीं, ऐसा आता यानी एक इमरजेंसी जो दिखती थी जेल है, आज ऐसी इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है, ये जो दो जोड़ी है गुजरात की, आज हर आदमी बीजेपी के भीतर मौन है, दहशत में, याद रखना मित्रों, फोन पे नहीं जाता मंत्री, डरता है कहीं पता चल गया तो कल बाहर निकाल कर देगा, इस संविधान के लिए इतनी कुर्बानी हो, इतने लोग शहीद हो, ये खतरे में है, हम दुनिया भर को छोड़ करके क्यों खड़े हो गए, हम हिंदुस्तान की लोकसभा में सबसे ज्यादा बार पारा वोट हुआ, लेकिन हम रोज भगत सिंह को टांगेंगे, सुभाष बाबू की मौत का आंदोलन भी करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे, चंद्रशेखर आजाद को याद करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के बना हुए संविधान को याद करेंगे, और इसके लिए संविधान लाने के लिए, संविधान आजादी के लिए 1857 से लेकर के 47 तक कितने लोगों का, कितने लोगों की सही शहादत, ये जरिया बोला बाप, गांव गांव निकलकर हुए, हर कदम पे आपको शहादत मिलेगी, हर सुबह में मिलेगी, इतनी बड़ी शहादत के बाद ये संविधान चला, बाद में जो बोल रहा हूं यह हक संविधान ने दिया, ये संविधान जो है हम सब लोग इकट्ठा है यहां, हमें मीटिंग करने की, आने की, जाने की सब जानकारी है, ये सब खतरे में है, अंधेर है, येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की ओर दिलाना,
ताल ठोक कर वहां का गवर्नर इनकी दलाली में उसको कसम दिलाता है, कहता है कि तुम लोग, मैं यहां अदालत का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कल इनके सारे गुनाह पर जोर का धक्का मार करके कहा कि कल जो है वो बहुमत का टेस्ट होगा, ये कल प्रायोजित होंगे, लड़ाई जो है वो कल से। चाहता हूं उठो और गांव देहात जाओ, आने वाला बच्चा आने वाली सत्ता ने हम नहीं लड़े, ये जो सरकार है इसको नहीं हमने बरफ सागर में फेंका, गंगा नदी में इसको नहीं बहाया, तो हिंदुस्तान का आजादी की कुर्बानियां, हिंदुस्तान में जितनी कुर्बानियां हैं वो लज्जित हो जाएंगी। क्या कर रहे हैं ये दिन भर आधा किया था देश बनाने का और ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, वादा किया था रोजगार का, वादा किया था किसान का, व्यापारियों ने बनाया था नोटबंदी का, चारों तरफ एटीएम बंद हो गए, पूरा देश गायब में खड़ा गया। चार साल से जब ये सरकार आई है तब से तेल के दाम आधे हो गए, ये सरकार नहीं है, ये अपना डेफिसिट जो है उसे पूरा करने के लिए एक्साइज में 11.45 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से ले लिया, एक्साइज ड्यूटी से, ये सरकार जो है वो लूट के चल रही है, पेट्रोल एक तिहाई में मिलना चाहिए था, डीजल और पेट्रोल बहुत इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा किसान।